बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज आपके साथ कोर्स कोड 8622 नॉन बोर्ड ब्रॉडकास्ट मीडिया स्प्रिंग 2021 की फर्स्ट असाइनमेंट आपके क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। ठीक है, उन्होंने बताना आपसे पूछा है कि नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया की स्कोप क्या है और उसकी नेचर किस नेचर की होती है, तो आपने उसके बारे में एक्सप्लेन करना है और अपना आंसर जो है ना विद एग्जांपल के बताना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया की डेफिनेशन बता दिया कि नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया बेसिकली होता क्या है। अच्छा जी, नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया वो मीडिया होता है, नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें आप पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और बार बार अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। तो वो हमारा नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है। जिस तरह के सपोज करें कि यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो कितनी बार भी देख सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी जो है ये नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया की एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि नेचर ऑफ नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया, तो यहाँ पे मैंने नेचर बता दिया, नेचर ऑफ नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया की किस टाइप की होती है, ठीक है, नेचर उसकी क्या होती है। तो यहाँ पे उसमें मैंने एग्जांपल्स भी यहाँ पे देखे, ये वाली मैंने कॉट कर दी हैं, यूट्यूब की है, ठीक है। उसके बाद बीबीसी आई प्लेयर है, म्यूजिक आई ट्यून है, ठीक है। और उसके अलावा हमने कहा है कि नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया कैन ऑल्सो प्लेड सीडी लिसनिंग, आईपॉड और MP3 म्यूजिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में आती हैं। तो यहाँ पे मैंने उसकी नेचर बता दी है, ठीक है, किस नेचर की होती है। और आगे मैंने उसको बता दिया कि बाकी वीडियोज़ यहाँ पे सबसे पहले आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशनल वीडियोज़ आ जाती हैं, वो भी नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में आती है। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज लिंक आ जाते हैं, वो भी नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में है। इंस्ट्रक्शनल वीडियोज़ आ जाती हैं, पब्लिक रिलेशन आ जाते हैं, मार्केटिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में जिस तरह कोई वीडियो बना के अगेन उसको प्ले किया जाता है, तो वो भी नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में आ जाती हैं। तो ये इसकी नेचर मैंने आपको बता दी है कि ये नेचर है नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया की। अब आते हैं उसके स्कोप की तरफ। स्कोप में सबसे पहले आ जाता है, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ स्कोप्स हैं, स्कोप आए। पहला होता है जो ऑडियंस स्कोप होता है, सेकंड होता है सब्जेक्ट स्कोप क्या होता है। तो उन दोनों के बारे में मैंने राइट कर दिया है कि ऑडियंस स्कोप क्या होता है और सब्जेक्ट स्कोप क्या होता है, उसके बारे में भी राइट कर दिया सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता दिया है, नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया हैज़ बीन पार्टिकुलरली इफेक्टिव इन 7 एरियाज़, के कौन कौन से एरियाज़ में जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये मैंने उसके कुछ एग्जांपल्स कोट कर ली हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि आपने एग्जांपल देनी है, तो यहाँ पे मैंने ये कोट कर दी है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ इफेक्टिव है आपने, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये इफेक्टिवनेस है। उसके अलावा यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऐड कर लिए हैं। आपको पहले इस तरह की रिकॉर्ड की थी कि यूट्यूब हो गया, बीबीसी आई प्लेयर हो गया, इसके अलावा डिफरेंट वीडियोज़ जो हो गई हैं हम लोग प्ले करते हैं, ये सारे नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद इंस्टोर रेडियोज़ हो जो होते हैं, जो स्टोर में बार बार अनाउंसमेंट हो रही होती है, वो भी हमारी नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में आ जाती है। उसके बाद पेड कॉस्ट आ जाती है, वो भी हमारी नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में आ जाती है। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरनल रेडियो आ जाता है, ठीक है, यूट्यूब का बता दिया है, बीबीआईसी प्लेयर के बारे में बता दिया। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारी नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में। यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेप इन्वॉल्व इन द चॉइस ऑफ मीडिया, कि मीडिया की चॉइस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मीडिया की मैंने डेफिनेशन बता दी है, देन नेक्स्ट आपको चॉइस ऑफ मीडिया के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है, कि चॉइस ऑफ मीडिया में क्या चीज़ें आती हैं, क्या होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा था स्टेप्स इन्वॉल्व इन चॉइस ऑफ मीडिया, तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो ये कौन से हैं, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पहले राइट कर दिया है स्टेप्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से आपको स्टेप्स बता दिए हैं। सब पहले हमारे पास डेवलपमेंट आता है, ठीक है, During this step, the available media after passing the analysis filter should be designed and combined, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं जो भी है। उसके बाद डेवलपमेंट आ जाता है, जो भी डिज़ाइन है उसको उस पर डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है। देन उसके बाद डिटर्मिनिंग रीच, फ्रिक्वेंसी, इम्पैक्ट एंड इंगेजमेंट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है, देन चूजिंग अमंग मेजर मीडिया टाइप्स आ जाता है, देन द बजट आ जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल, चूजिंग मीडिया टाइमिंग, एवेल्यूएशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं
स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं मीडिया में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया इन एजुकेशन। आपने बताना है कि इंस्ट्रक्शनल मीडिया का एजुकेशन में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या किरदार है, क्या रोल प्ले करती है, तो वो आपने बताना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बता दिया कि इंस्ट्रक्शनल मीडिया होता क्या है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। इट रेफर टू ऑल एड्स दैट आर यूज बाय द लेक्चर एंड स्टूडेंट, ठीक है। ये एड्स होती हैं, एवियर्स जो भी हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग लेक्चर, स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर आर या टीचर जो भी यूज़ करती है वो एवियर्स होती हैं, ठीक है। देन यहाँ पे बता दिया सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया इन एजुकेशन, एजुकेशन में इसके क्या सिग्निफिकेंस है वो बता दिया है यहाँ पे। ये सारे मैंने राइट कर दिए हैं यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं, ठीक है। आप ऐसे राइट कर सकते हैं एज इट इज, ये सारे सिग्निफिकेंस हैं जो एजुकेशनल में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ रिकॉर्ड प्लेयर इन डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में रिकॉर्ड प्लेयर का क्या रोल है वो आपने बताना है। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दिया है रिकॉर्ड प्लेयर के बारे में, बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। रिकॉर्ड प्लेयर इज़ अ डिवाइस फॉर द मैकेनिकल रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये मैंने आगे जो भी इसके बारे में राइट किया। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन का बता दिया कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ रिकॉर्ड प्लेयर इन डिस्टेंस एजुकेशन में इसका क्या रोल होता है वो मैंने बता दिया है यहाँ पॉइंट्स के फॉर्म में। यहाँ से ब्रेनस्टॉर्मिंग आ गया, देन रिफाइनिंग वॉइस आ गया, देन प्रैक्टिस एंड रिवीजन आ गया, देन सेल्फ असेसमेंट आ गया। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये नॉन ब्रॉडकास्ट मीडियाज के आ जाते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, ठीक है। रिकॉर्डर प्लेयर के जो भी रिकॉर्डर प्लेयर भी एक नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया है और वो उसका क्या रोल होता है डिस्टेंस एजुकेशन में वो यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आके 4 भी एंड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लाइड डॉक्यूमेंट्री इन डिस्टेंस एजुकेशन। तो आपने बताना है कि स्लाइड डॉक्यूमेंट्री का डिस्टेंस एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने बतानी है, ठीक है। सबसे पहले बता दिया कि स्लाइड डॉक्यूमेंट्री होता क्या है बेसिकली, ठीक है। इसको स्लाइड फिल्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया स्लाइड डॉक्यूमेंट्री के बारे में। देन डिस्टेंस एजुकेशन का हमने पूछा हुआ था वो भी बता दिया है कि डिस्टेंस एजुकेशन ये होता है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्लाइड डॉक्यूमेंट्री इन डिस्टेंस एजुकेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने बता देनी है। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस जो भी थी यहाँ पे मैंने राइट कर दी है, ठीक है। देन आगे इसको पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पे राइट किया, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट थे ओवरऑल ठीक है, तो कैसे हेल्पफुल होता है डिस्टेंस एजुकेशन में आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे एंड होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आज जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे आपके असाइनमेंट सॉल्व करने में। अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में इशू है या कोई भी असाइनमेंट आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आप अपने एंड करते हैं, एक बार फिर अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।